ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी से प्यार करो। हो अगर रात तो सुबह का इंतज़ार करो, वो वक्त भी आएगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है, बस उस खुदा और उस वक्त पर एतबार करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं ऑटो सर्जन। बने रहेगा इस वीडियो के लास्ट तक। आज हम आपके लिए एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इस कंपनी की गाड़ियाँ बेसिकली आपने इंडियन सड़कों पे दौड़ते कई दफ़ा आपने देखा है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप डेली जो आप ट्रैवल करते हैं, आप इस गाड़ी से वाकिफ़ हैं। मैं जिस गाड़ी की आपसे बात कर रहा हूँ वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी की है, जो कि इंडियन ऑटोमोटिव मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुकी है। मैं उस गाड़ी की बात कर रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि महिंद्रा राइस के नाम से पिकअप्स एंड पैसेंजर गाड़ियाँ दोनों बनाती हैं ये कंपनियाँ। ये गाड़ी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। तो आइए दोस्तों, आज मैं जिस गाड़ी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वो है महिंद्रा की बोलेरो नियो। आइए इस गाड़ी का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तहे दिल से महिंद्रा ग्रुप के रेलस मोटर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने हमें मौका दिया एक वीडियो वॉक अराउंड करने का बोलेरो नियो का। और लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके, आप यहाँ के सेल्स पर्सन का भी नंबर आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप यहाँ पर महिंद्रा की और भी बाकी गाड़ियों के रेंज में आप आके एक अच्छा फ़ायदा आप ले सकते हैं। इवन दैट बोलेरो नियो में भी आप एक अच्छा डील आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं बोलेरो नियो के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ह्यूज एसयूवी है। ये ह्यूज एसयूवी है जो आपको सामने दिख रहा है। फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं सामने से अगर मैं बात करूं, आपको दिखते हैं फर्स्ट में हेडलाइट्स। हेडलाइट में आपको अपर डिपर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये आपको पार्किंग लाइट ये आपको दिख रहे हैं, ये आपके साइड इंडिकेटर हैं। बीच के अगर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख रहे हैं कितना एक मैसिव लुक एक लगता है। इसमें जो इंजन दी हुई है एम हॉक के, इसमें इंजन है। फ्रंट में आप महिंद्रा का लोगो देख सकते हैं। इसमें जो आप जो फिनिशिंग आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश नहीं है, ये नॉर्मल जो ब्लैक आपको फिनिश आती है वो है। ये ग्रिल्स भी अच्छा दिख रहे हैं, ये काइंड ऑफ थोड़े से हनी वेब टाइप के आपको लगते हैं। नीचे अगर इंजन कवर की बात करें तो वो भी आपको नॉर्मल ब्लैक कलर में आ जाते हैं। नीचे के साइड अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ये आपको जो जगह दी हुई है ये फॉग लैम्प की है, जो कि आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। ये जो आप मॉडल अभी आप देख रहे हैं ये है इस गाड़ी का बेस मॉडल। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं आपसे अगर मैं बात करता हूं तो ये है 160 mm, आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। बाकी अगर फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं बात करूं, आप यहां ऊपर की तरफ देखते हैं बोनेट के ऊपर, तो ये एक छोटा सा कट जो कि एरोडायनेमिक्स को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और जो कि बहुत ही अच्छा इसका लुक लग रहा है। ऊपर की तरफ आते हैं आप, फ्रंट में आपको रेन वाइपर आपको मिल जाते हैं, ये ऑटोमेटिक में नहीं आते हैं। ग्लासेस आप देख सकते हैं, बहुत ही एक ह्यूज एसयूवी होने की वजह से एक बहुत ही फैलाव सा इसमें आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा बोलेरो नियो का साइड प्रोफाइल। साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल में अगर मैं बात करूँ, टायर्स में अगर बात करता हूँ तो ये 15 इंच के स्टील रिम आपको इसमें मिलते हैं। अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं क्योंकि ये बेस मॉडल है। साइड प्रोफाइल में आप जैसे कि आप देखते हैं, ये बहुत ही प्यारी सी ब्लैक फिनिशिंग की पट्टी दी हुई है दोनों हैंडल बार्स को कनेक्टेड करते हुए। इंडिकेटर की अगर मैं बात करूँ तो हल्की से एक नाइफ कट चाकू का आधा हिस्सा ऐसा लगता है। साइड में आप ओआरवीएम आप देखते हैं जो कि ग्लॉसी ब्लैक आप बोल सकते हैं, बट ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग में नहीं दिया हुआ है। और ये जो कंट्रोल आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअली आपको इस तरीके से आप इसे टिल्ट करेंगे। डोर हैंडल आप देख सकते हैं, ये बॉडी कलर में नहीं आते हैं, ये ब्लैक में दिए हुए हैं। ये अब छोटे से ये आपको यहाँ पर एक छोटी सी आपको यहाँ पर एक कर्व में कट दी हुई है जो कि आपको गाड़ी की स्पीड एरोडायनेमिक्स को कंट्रोल करने पे बहुत ही अच्छी साबित होती है। यहाँ पर आ जाता है डीजल का टैंक। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 50 लीटर की, जो कि इसमें बोलेरो नियो में आती है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको इस ग्लासेस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले जो बी पिलर की बात करूँ एंड सी पिलर की, तो ये बॉडी कलर है। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट में आप जाते हैं W10 मॉडल में, तो ये आपको एक पूरा ब्लैक फिनिश में दिखता है जो कि देखने में अच्छा मिलता है। और इस बेस मॉडल में ये गाड़ी बेस मॉडल है तो इस वजह से इसमें देखने को वो नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, आ जाते हैं बैक प्रोफाइल के बारे में। तो मैं आपसे टेल लाइट से मैं आप शुरुआत करना चाहूँगा। ये आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही खींची हुई दिख रही है, जो कि
महिंद्रा की TUV में भी वो थोड़ा छोटा था, इसमें ये साइज़ आपको बड़ी मिलती है। बैक में आप देखते हैं बोलेरो नियो की बैजिंग, यहाँ पर आपको बैक डोर की आपको डोर हैंडल मिल जाती है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बेस मॉडल होने की वजह से भी यहाँ पर लेकिन आपको पार्किंग सेंसर, जो कि बैक अगर आप गाड़ी बैक करते हैं तो वहाँ पे आपको सेंसर मिले हुए हैं, ये आपको फुटरेस्ट के लिए बैक की जगह दी हुई है। और आप चीज़ें देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक दो रिफ्लेक्टर भी दोनों तरफ से दिए हुए हैं। स्पेयर व्हील की अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों, इसमें स्पेयर व्हील आपको जो कि पीछे लगी होती है, जो कि एक इस गाड़ी को एक मैसिव लुक बनाती है, जो कि एक अच्छा दिखता है। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये 15 इंच के टायर हैं फ्रेंड्स। अगर हम बोलेरो नियो की अगर बूट स्पेस की बात करें तो 384 लीटर का हमें बूट स्पेस मिल जाता है। विथ यहाँ पर आप जो दो चेयर देखते हैं, वैसे ये गाड़ी 7 सीटर कहलाती है, बट हम बीच वाले रो में हम 4 बैठ सकते हैं, फ्रंट में 2 एंड पीछे एडल्ट लोगों के हिसाब से एक इनफ स्पेस मुझे नहीं लगी। हाँ, बट अगर दो छोटे बच्चे हैं तो ईज़िली यहाँ पर हम बैठ सकते हैं। साइड ग्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कंट्रोल है वो इस तरीके से खुलता है, आप इसे हल्का सा प्रेस करते हैं और ये डोर पुश एंड पुल, पुश एंड पुल वाली आपको इसमें यहाँ पर आपको विंडो आपको मिल जाती है। ऊपर की तरफ आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्लासेस के अंदर पे स्पॉलर लाइट दी हुई है, जो कि एक रात को जलने पे एक बहुत ही बेहतरीन लुक आपको प्रोवाइड करती है। दोस्तों रूफ रेल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको बेस मॉडल हो चाहे आपके इसके टॉप मॉडल की अगर मैं बात करूँ, इसमें रूफ रेल्स नहीं आते हैं, इसमें शार्क फिन एंटीना भी नहीं आता। आप मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा, इसमें सिर्फ आपको एंटीना मिलते हैं जो कि FM के जो एंटीना होते हैं। फ्रेंड्स अगर मैं इसमें सर्विस फुटरेस्ट की बात करूँ तो इस गाड़ी में नहीं आती है, क्योंकि ये बेस मॉडल है। इसके ऊपर वाली जैसे ही सेकंड टॉप मॉडल में, उसमें आपको सर्विस फुटरेस्ट आपको मिलती है। फ्रेंड्स बात करते हैं गाड़ी के अंदर, हम जाके देखते हैं सिटिंग पोस्चर की एंड हम आपको देख के बताते हैं कि इसमें हमें कितना सा हेड, कितना इनफ हमें नी यहाँ पर हमें बैठने का की स्पेस मिलती है। इनफ स्पेस एक मिलता है क्योंकि एक बड़ा सा ये SUV मॉडल है, 7 सीटर ये गाड़ी है। नी रूम अगर मैं आपको यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इनफ स्पेस है, मैंने यहाँ पे इस गाड़ी को इतना स्पेस, तो आप देख सकते हैं मुझे एक पूरा एक फुल लेंथ का मुझे यहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ, SUV होने की वजह से देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही हाइट में भी अगर मैं देख सकता हूँ काफ़ी मुझे यहाँ पर एडजस्टेबल मिल रहा है। हाइट एडजस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है आपको, ये सिंपली ये टिल्ट आपको आगे मिलेगा या फिर पीछे, आप अपने हाइट के अनुसार आप इसे सेट कर सकते हैं। आ जाते हैं रियर सीट को, सीट में हम सीटिंग कैपेसिटी हम देख लेते हैं कैसा है। पीछे में एक इनफ स्पेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये सीट मैंने थोड़ी पीछे कर रखी हुई है, बट यहाँ पर भी अगर मैं आपको ऊपर में हाइट देखता हूँ तो मुझे एक इनफ स्पेस यहाँ मिल जाता है मुझे। फ्रेंड्स आइए हम बात करते हैं डोर्स की, ये डोर्स 90 डिग्री तक नहीं खुलती है, बट हाँ इनफ एक इतना सा हमें मिल जाता है। हम इस गाड़ी में बैठ के देखते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर में हमें क्या मिलता है। एक अच्छा एक फील देने वाला गाड़ी है ये, आप देख सकते हैं जैसे कि मैं सामने एक बेस मॉडल पर मैं बैठा हुआ हूँ। इस गाड़ी में आप देखते हैं कि सामने पहले स्टीयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूं तो आपको मिल जाते हैं इसमें महिंद्रा का लोगो। इसमें आपको एयरबैग भी मिलते हैं, इंफोटेनमेंट के स्विचेस नहीं मिलते क्योंकि ये गाड़ी बेस मॉडल है। आप यहां पर देख सकते हैं इसमें सिर्फ सिंपली आपको AC के वेंट्स दिए हुए हैं, ये ऊपर में डैशबोर्ड दिया हुआ है, एक छोटा सा हल्का सा एक छोटा सा स्पेस दिया है, आप यहाँ पर अपने कुछ सामान या फिर आप यहाँ पर भगवान रख सकते हैं। अगर मैं डिफॉगर की बात करूं तो यहाँ पर स्पेस दी हुई है, बट अगर इस स्पेस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी छोटी सी स्पेस है। यहाँ पर हमें एक दूसरा एयरबैग मिल जाता है। अगर मैं सामने अगर आपको ओडोमीटर की बात करूं तो ये एनालॉग में आते हैं। AC की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिए हुए हैं, नॉर्मली इसमें AC दी हुई है। क्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक इनफ स्पेस आपको मिल जाता है जो आप अपने सामान इसमें रख सकते हैं, और ये चिलर बॉक्स में नहीं आता है। अगर मैं गियर शिफ्टिंग की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5+R, मतलब इसमें 6 गियर दिए हुए हैं, डीजल में आती है, MHOG की ये इंजन है। इस पोर्शन में अगर आप देखते हैं 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है आपको। नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको आपके साइड ग्लासेस के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको आ जाता है हैंड ब्रेक, यहाँ पर आप अपने बॉटल्स रख सकते हैं। ये स्पेस कुछ काफ़ी भरा हुआ नहीं है बट ठीक है। IRVM की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता है, इसमें सिंपली आपको ये दिया हुआ है। सनवाइज़र की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टिकट होल्डर, इस साइड में आप देखते हैं आपको यहाँ पे ग्लासेस मिल जाते हैं। फ्रेंड्स स्पीकर की मैं अगर बात करूँ तो आपको एक सभी डोर में 4 डोर्स में आपको एक एक स्पीकर मिल जाते हैं विथ 2
ट्वीटर्स जो आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं एक पैसेंजर सीट होने की वजह से यहाँ पर आप, यहाँ पर आपको हैंडल बार आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। सीट की अगर बात करें तो ये लेदर तो नहीं है बट लेदर मिक्स आपको यहाँ पे, लेदर एंड रेक्जिन का मिक्सअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी की बॉडी से ये आपको मैच करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी आपको सिंपली ये ब्लैक एंड क्रीम कलर आपको देखने मिलती है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे दरवाजे की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हैंडल बार दिए हुए हैं वो ब्लैक में आपको दिया हुआ है। ये एक मैट ब्लैक काइंड ऑफ दिख रहा है। अब यहाँ पर हैंडल बार आप देख सकते हैं जिसे आपको खोलने के लिए, ये भी ब्लैक कलर में दिया हुआ है। यहाँ पर जो आप मिरर के जो कंट्रोल बाकी ऑटोमेटिक में बटन होते हैं, यहाँ पर इसको आप मैनुअली आप इसे सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आ जाते हैं हम बोलेरो नियो की इंजन प्रोफाइल को देखते हुए, इंजन कैसा है इसका। इंजन प्रोफाइल की हम बात करें, मैंने अभी फ़िलहाल इसका मैंने इसका कैप खोला तो बहुत ही भारी था, तो मतलब ये वाकई में खरा लोहा है। इंसुलेशन की अब यहाँ पर बात कर सकते हैं, देखिए इंसुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पैक है, जो कि इंजन की नॉइज़ को यहाँ से केबिन में जाने नहीं देगा। इंजन की अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैसिव एमहॉक इंजन की, ये 1.5 लीटर ये आता है, एमहॉक इंजन है, डीजल इंजन देख सकते हैं ये आप। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टर्बो है, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एमरॉन के बैटरीज। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो 100 bhp की इसकी पावर है, एंड मैं अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 260 nm की। माइलेज ये गाड़ी आपको मिनिमम 17 एंड 18 की आपको ये माइलेज निकाल के देती है। डीजल वेरिएंट में आती है, तीन वेरिएंट में ये गाड़ी आती है। N8 आप ये जो मॉडल देख रहे हैं ये N4 है, इसके ऊपर एक मॉडल आती है वो है N10, जो कि उसकी टॉप वेरिएंट है। तो फ्रेंड्स, ये था अब तक का हमारा वीडियो। इस बेसिस पे आप डिसीज़न ले सकते हैं कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैं अगर प्रेफरेबली करूँगा तो आपको एक बजटरी गाड़ी की अगर प्राइसिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो बेस मॉडल से लेके टॉप वेरिएंट तक ये जाते जाते 8.50 से लेके 9.99 तक की आपको मिलती है। मैं अगर चाहूँगा तो इस प्राइस रेंज में इस गाड़ी को प्रेफर ज़रूर करूँगा। ये गाड़ी बहुत अच्छी है। फर्स्टली ये लोकल है और एक दमदार गाड़ी है। इसकी बोलेरो मॉडल की भी अगर हम बात करें तो इसकी जो पिकअप है, पिकअप ट्रक्स जो आती हैं छोटी पिकअप बोलेरो की, एंड जो बोलेरो ऑलरेडी जो गाड़ी पहले से ही जो कि महिंद्रा की है वो काफ़ी कितनी दमदार है आपको तो मालूम ही होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Thank you.